Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, तो आप भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तमाम जतन करेंगे। ऐसे में पूजा करते समय माता रानी को जो फूल चढ़ाए जाते हैं उसके बारे में कुछ बातें ज़रूर जान लें। कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिन्हें चढ़ाने से माँ भवानी रूठ जाती हैं, वहीं कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित करने से माँ भवानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि माँ के कौन से रूप को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन से वे फूल हैं जो नहीं चढ़ाने चाहिए। नवरात्र के दिनों में माँ भवानी के अलग अलग रूपों की पूजा करते समय उन्हें अलग अलग फूल चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भवानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि विशेष फूलों में विशेष देवता के पवित्रक अर्थात उस देवता के सूक्ष्म कण आकर्षित करने की क्षमता अन्य फूलों की तुलना में अधिक होती है। ऐसे फूल जब मूर्ति पर चढ़ाते हैं तो मूर्ति को जागृत करने में सहायता मिलती है। इससे मूर्ति के चैतन्य का लाभ हमें शीघ्र होता है, इसलिए विशेष देवी को विशेष फूल ही अर्पित करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा को मोगरा और परिजात, माँ लक्ष्मी को गुलाब और साथ में कमल, सप्तसंगी माँ को कवटी चाफा, माँ शारदा को रातारानी, देवी योगेश्वरी को सोनचाफा, माँ रेणुका को बकुल, वैष्णो देवी को रजनीगंधा और माँ विंध्यवासिनी को कमल अर्पित करें। मान्यता है कि इन फूलों से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, जातक की मनोवांछित कामनाएं पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी माँ को कभी भी अपवित्र स्थल उत्पन्न हुए, अनखिले पुष्प अर्थात कलियाँ, बिखरी हुई पखंडियों वाले, गंधरहित अथवा तीव्र गंध वाले शूंघे हुए पुष्प, पृथ्वी पर गिरे हुए, बाएं हाथ से लाए गए, जल में डूबो कर धोए हर पुष्प, दूसरों को प्रसन्न अप्रसन्न कर लाए हुए पुष्प, पहने पर अवध वस्त्र में अर्थात निचले वस्त्र में लाए गए ऐसे पुष्प देवी माँ को गलती से भी नहीं चढ़ाएं। ऐसे फूलों को चढ़ाने से माँ अप्रसन्न होती हैं और जातों को पूजा लाभ भी नहीं मिलता है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.